मेयर कराची के लिए जो तोड़ जारी। जमात इस्लामी का वाफ नून लीग की क्यादत के पास पहुंच गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ अहमद रहमान ने कहा कि कराची बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इससे कबल हतमी नतीजा आए और हतमी नतीजे के बाद शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो। हम ये चाहते हैं कि शाह साहब जैसे सीनियर रहनुमा इसमें रोल प्ले करें, जो जमात इस्लामी चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए, इत्तेफाक राय पैदा हो जाए और तमाम जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं और फिर उसमें जिसका मैंडेट हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। जमात इस्लामी का क्लेम ये है कि हम नंबर वन पार्टी है, हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर दूसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम नंबर वन है तो अभी नतीजा सामने आ जाएगा। मैं अपना रोल जरूर अदा करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन चाहती है इस मुल्क को जमहूरी इदारे रहे। इंशाल्लाह ताला हम कंसेंस पैदा करेंगे। हाफिज साहब आप मायूस नहीं होंगे, हम कोशिश करें कंसेंस पैदा हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उधर 22 मार्च को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।